नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी छात्रों को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट है, साथ में जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, यूजी सेकंड ईयर फाइनल ईयर, इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आप सभी छात्रों के लिए जारी हो जाएगा। क्योंकि अप्रोक्सली जो जितनी भी एग्जाम है आप सभी छात्रों के, वो मई में कंप्लीट हो जाएंगे, और ज्यादातर जो एग्जाम है वो आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं। साथ ही में आपको एग्जाम के साथ में ये भी क्लियर करूंगा कि कौन सा जो मतलब कि किस स्ट्रीम का जो रिजल्ट है सबसे पहले जारी किया जाएगा, वो भी यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से आप जो अपना रिजल्ट है वो आप देख भी पाओगे। साथ ही में आपको ये भी क्लियर करूंगा कि कौन सा रिजल्ट आपके लिए सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैं एक बार ये ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, सभी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, ज्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो बीए में रहते हैं, उससे कम जो स्टूडेंट रहते हैं वो बीएससी में, और उससे कम जो स्टूडेंट रहते हैं वो रहते हैं बीकॉम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिजल्ट आपका जारी होता है वो बीकॉम के जो छात्र हैं उन सभी का जारी होता है। और जब भी आपके एग्जाम, ये ध्यान रखना, जिस भी दिन आपका एग्जाम खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जाम है, जैसे अभी फिलहाल अप्रैल चल रहा है, और जैसे 5 मई को आपका जो एक तरीके से एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया, जैसे बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो अगर अप्रैल में आपका खत्म होता है, 5 मई को मान लीजिए। ठीक है, 5 मई को अगर आपका एग्जाम खत्म होता है, तो उसके अप्रोक्स 30 से 40 दिन के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका 10 जून तक जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। और जिस स्ट्रीम में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि बीकॉम जो स्ट्रीम रहता है, बीकॉम में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, इस वजह से सबसे पहले यानी कि जो फर्स्ट में जो रिजल्ट जारी किया जाता है, फर्स्ट में जो रिजल्ट जारी किया जाता है वो बीकॉम का किया जाता है। उसी के बाद में बीकॉम का रिजल्ट जारी करने के बाद में जो नेक्स्ट रिजल्ट जारी होता है वो जारी होता है बीएससी का, और बीएससी के बाद में जो रिजल्ट जारी होता है वो आपका जारी होता है बीए का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सभी छात्रों के रिजल्ट जारी होते हैं। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं, अभी जैसे बात करें यहाँ पर आरआरबीए में भी, ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के अभी आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 19 मई तक आपके चलने वाले हैं, या इससे लेट भी चलने वाले हैं। तो आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपका जून में होगा। कब होगा? जून में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तब तक आप सभी छात्रों को पेशेंस बनाकर रखना होगा। साथ ही में अब काफी छात्रों का ये डाउट रहता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा बीए है, उसी के बाद में हमारा बीएससी है, उसी के बाद में हमारा जैसे बीकॉम है। देखो, सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमेस्टर के लगभग जितने भी रिजल्ट है वो आपके जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट बार आपके जारी किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 1-2 महीने के बाद में जब आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे, तो एक रिजल्ट से, ठीक है, जैसे बीकॉम से बीएससी के रिजल्ट में तकरीबन 7 दिन से 8 दिन का अंतर दिया जाता है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो गई, आरआरबीएमयू हो गई, आरयू हो गई, ठीक है, उसके बाद में यूओके हो गई, या आपकी एमएसबीयू हो गई, या एमजीएसयू हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका एमएसबीयू हो गया, या आपका MLSU हो गया, या उसी के बाद में आपका VMOU हो गया, या आपका JNVU हो गया। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी को लेकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो एक रिजल्ट से लेकर दूसरे रिजल्ट में तकरीबन 7 से 8 दिन का आपका अंतर रहता है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया जाता है जिनकी संख्या कम रहती है, यानी जिस भी स्ट्रीम में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है उनका रिजल्ट फर्स्ट में जारी किया जाता है। तो फर्स्ट में जो रिजल्ट आपका जारी होता है, फर्स्ट में रिजल्ट किनका जारी होता है? फर्स्ट में रिजल्ट जारी होता है जो बीकॉम के स्टूडेंट है उन सभी का। ठीक है, बीकॉम के बाद में जो नेक्स्ट रिजल्ट आपका जारी होता है वो जारी होता है बीएससी के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का, और बीएससी के बाद में जो लास्ट में रिजल्ट जारी होता है वो बीकॉम बीए के छात्रों का जारी होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सभी छात्रों के जो रिजल्ट है वो जारी किए जाते हैं, आप सभी छात्रों को पता भी होना चाहिए। साथ ही में जितने भी यूनिवर्सिटी है, आप तो ये ध्यान रखना कि जिस दिन आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए बताया भी था, अगर 5 मई को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है तो जून के 10 या 15 जून तक आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। अप्रोक्सली क्या देखा जाता है कि 35 से 40 दिन, कितने दिन? 35 से 40 दिन आपके एक रिजल्ट जारी करने में टाइम लगता है, क्योंकि कॉपी रहती है, कॉपी को चेक भी किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है,
और वो समय पर चेक भी होती है। चेक होने के बाद में रिजल्ट को यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। यूनिवर्सिटी के बाद में उस रिजल्ट को वेबसाइट के ऊपर डाला जाता है। डालने के बाद में एक साथ उसको रिलीज किया जाता है, जो कि डेट एक तरीके से ऑफिशियल की जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो आपका जारी होता है। जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको इस तरीके, मतलब कि जो हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का वैसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दे रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक तरीके से ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी छात्र ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट है वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।